नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों देश के सभी क्रिकेटर्स अपने परिवार के साथ घर पर हैं। कई क्रिकेटर्स इन दिनों सोशल मीडिया पर अपना ज्यादा समय दे रहे हैं और अपने फैंस से रूबरू हो रहे हैं। वहीं कई क्रिकेटर्स कुछ नया ट्राई करते हुए अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा लॉकडाउन होने के कारण घर में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं। रोहित और अन्य सभी क्रिकेटर भी कोरोना वायरस के चलते अपने घरों में ही हैं। इस महामारी की वजह से सभी क्रिकेट टूर्नामेंट्स पर ब्रेक लगा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान क्रिकेटर्स सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हैं। इस दौरान वो सोशल मीडिया के जरिए ही अपने बारे में लगातार अपडेट्स अपने फैंस को दे रहे हैं। इसी कड़ी में रोहित शर्मा ने अपनी बेटी समायरा के साथ एक बेहद क्यूट फोटो शेयर की है। रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर जो फोटो शेयर की है उसमें वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस फोटो में उनकी बेटी समायरा और रोहित शर्मा चेयर पर बैठे हुए हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए रोहित शर्मा ने प्लास्टिक को ना कहने का संदेश दिया है। रोहित ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, सुबह सागर के पास अपने मनकिन के साथ हमारे प्यार पर चर्चा करना और प्लास्टिक के तिनके को ना कहना जरूरी है। रोहित शर्मा और बेटी समायरा का ये क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें, रोहित शर्मा ने अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड दौरे पर T20 खेला था। इसके बाद वो चोट की वजह से बाहर हो गए थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी करनी पड़ी थी, लेकिन सीरीज को कोरोना वायरस की वजह से रद्द करना पड़ा था। कोरोना वायरस के कारण IPL 2020 को स्थगित कर दिया गया है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि इस साल IPL भारत में नहीं बल्कि विदेशी धरती पर सितंबर में खेला जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।